तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक और न्यू मेकअप के वीडियो के साथ। तो गाइज स्वागत 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 है आप सभी लोग का जेरी के वर्ल्ड के अंदर। वैसे तो हमारा ये जीके वर्ल्ड है गाइज, तो हमारे वर्ल्ड के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। और जिन जिन लोगों ने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर जरूर देख लेना गाइज। और जिन जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रही है वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज। और आप देख सकते हो हमारे पीछे की तरफ यहाँ पे हमारा फार्म दिख रहा है गाइज। और आप लोग को पता ही हो गया कि हमने जो एक छोटा सा फार्म बनाया था जिसको मैंने अपग्रेड करके यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा फार्म बना दिया। तो हमारा मतलब जो खाने की तकलीफ़ जो होती है वो ख़त्म हो चुकी है गाइज। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वीट आ चुका है, और हमने यहाँ पे शुगर केन भी लगा दिया था। तो शुगर केन की भी हमको थोड़ी से टाइम के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की वाली वीडियो शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो मैं आपको बताने के लिए जा रहा था, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये आप जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, यहाँ पे आप पीछे की तरफ देख पा रहे हो कि हमने ये जो बड़ा सा एक फार्म बना दिया। वैसे हमको इस फार्म को थोड़ा सा और भी बढ़ाना है। यहाँ पे हमको पोटैटो भी और कैरेट भी लगाना पड़ेगा, पर अभी हमारे पास पोटैटो और कैरेट नहीं है। तो जैसे ये मिल जाएगा तो यहाँ पे हम लगा देंगे गाइस। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो हमने डिज़ाइन बना के रखा हुआ है, यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। नीचे की तरफ जो हमने एक डिज़ाइन बना के रखा वो डिज़ाइन है हमारा एक, हम आज एनिमल के लिए बर्न हाउस बनाने लगा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चेस्ट के अंदर आपको ये कुछ सामान की इतनी ज़रूरत पड़ेगी गाइज। हम ओपी लेवल का यहाँ पे बर्न हाउस बनाने जा रहे हैं गाइज। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम एनिमल्स के लिए बर्न हाउस बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स भी ज़रूरत है हमको, आगे जाके हमको लेदर की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमको वूल की भी ज़रूरत पड़ेगी, और चिकन को भी लाएंगे और हम पिग को भी लेकर आएंगे गाइज। तो हमारी थोड़ी सी खाने की भी दिक्कत यहाँ पे कम हो सकती है। तो यहाँ पे हमको बर्न हाउस को बनाना है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे ये जो हमने पहला ब्लॉक रखा है वो आप थोड़ा सा डिज़ाइन को आप देख सकते हो इसकी, मतलब ये बर्न हाउस आप अपनी तरफ से बना सकते हो। वैसे आपको यहाँ पे पहले वाले जो लाइन है उसके अंदर आपको 7 ब्लॉक इसको ऊपर लेकर जाना है, और ये जो दूसरी लाइन यहाँ पे मैं अभी कर रहा हूँ इसको आपको 6 ब्लॉक ऊपर लेकर जाना है जो आप लास्ट में देख सकते हो। और यहाँ पे मैं नीचे की तरफ आ चुका, और यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है इसको हमको 5 ब्लॉक ऊपर की तरफ लेकर जाना है गाइज। ये दो पिलर्स आप देख पा रहे हो, ये पिलर्स के बीच में 3 ब्लॉक का गैप है गाइज। और यहाँ पे हम नीचे की तरफ चलते हैं, और आप देख सकते हो ये पिलर ये 3 है, ये 3 पिलर के जो 2 पिलर के बीच में जगह जो है वो 3 ब्लॉक की जगह है। और एक 7 ब्लॉक का, एक 6 ब्लॉक का, और एक तो 5 ब्लॉक का, सॉरी। तो यहाँ पे आपको बीच में जो ये गेट आएगा, यहाँ पे बेसिकली नीचे में बीच में जो यहाँ पे जगह दिख रही है वहाँ पे गेट आएगा। तो इन ये गेट की बीच की जगह जो है वहाँ पे वो 5 ब्लॉक की जगह यहाँ पे रहेगी गाइज। यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सामने की तरफ हमारे भाई भी इसको सेम टू सेम बनाने में लगे हुए। तो यहाँ पे ये जो बाकी के जो भी ब्लॉक है लास्ट बाहर की तरफ जो लगाए उसको सबको 5-5 ब्लॉक ऊपर कर देना। तो इसको सबको पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे पिलर को खड़ा कर दिया, और सामने की तरफ भाई मैंने भी पूरा का पूरा पिलर को यहाँ पे सबको खड़ा कर दिया है। और उसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पे 5-5 ब्लॉक, जहाँ पे 5वां ब्लॉक लगता है वहाँ पे हमको एक ऐसे टेढ़ा वाला एक यहाँ पे ब्लॉक लगाते जाना है। सभी पिलर्स के अंदर हमको ये ब्लॉक लगाना पड़ेगा। तो हम दोनों चारों तरफ यहाँ पर ये पिलर का ये ब्लॉक लगा देते हैं। तो यहाँ पे सब ब्लॉक को लगाने के बाद हमको क्या क्या ज़रूरत है, यहाँ पे हमको एक ये स्टेयर की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे स्टेयर लगेगी और यहाँ पे ट्रैपडोर जो है वो भाई लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने दोनों पिलर के बीच में जो ये ब्लॉक एक्स्ट्रा लगाए उसके बाजू में हमको उल्टी स्टेयर लगानी है सामने सामने की तरफ को। और ये गलत लग गया, ऐसे नहीं लगाना है गाइस, इसको उल्टा लगाना है। तो यहाँ पर उल्टा लगाई गई है स्टेयर। तो यहाँ पर ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास स्टेयर आ चुका है और मैंने उल्टा लगा दिया। और ये भाई क्या करने वाले, जो ये स्टेयर दोनों तरफ में लगा रहा हूँ उसके बीच में जो जगह है वहाँ पे भाई हमारे यहाँ पे ये जो उनके पास जो ट्रैपडोर है वो ट्रैपडोर यहाँ पे उसके बीच में लगा देंगे गाइस। तो यहाँ पे सभी ब्लॉक के अंदर जो भी हमने पिलर्स खड़े किए हुए वो सभी पिलर्स के बीच में इस कुछ इस तरह से हमको यहाँ पे स्टेयर लगा देने। और गाइस ये सभी पिलर्स के बीच में 3-3 ब्लॉक का गैप यहाँ पे रखा हुआ है गाइस। तो इसको ख़त्म कर देते पहले। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा ये जो स्टेयर वाला काम है ये ख़त्म कर दिया, और ये
यहाँ पे हमारी नाइट हो चुकी है, तो यहाँ पे हम आकर सो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी सुबह हो जाए तो हमारा काम थोड़ा सा आगे बढ़ने को लग जाए। तो गाइस यहाँ पे हमारे भाई जो स्टेयर है वहाँ पे जो हमने सिंगल सिंगल ब्लॉक लगाए उसके नीचे हमको यहाँ पे स्टेयर लगानी है, वो भाई अब यहाँ पे स्टेयर लगाने में लगे हुए हैं। बट यहाँ पे ये जो डिज़ाइनिंग का काम है वो मैं करूँगा गाइस। तो यहाँ पे गेट के पास हमको डिज़ाइन बनानी है, तो गाइस यहाँ पे हमको जो ब्लॉक हमने लगाया था उसके ऊपर हमको एक सीधी स्टेयर लगानी है, उसके बाद हमको एक उल्टी स्टेयर लगानी है। बट ये स्टेयर जो तो है तो इस तरफ मुंह करके लग गई है, वो ऐसे आपको लगाना नहीं है, उसको पीछे की तरफ मुंह करके उल्टा लगाना है गाइस। तो इस तरह से यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ स्टेयर लगा सकता हूँ। पर यहाँ पे मेरे पास ये ब्लॉक की भी मेरे को प्लैंक की ज़रूरत है गाइस, तो यहाँ पे मेरे पास प्लैंक नहीं है पर पूरा अखा वुड है, तो यहाँ पे हम प्लैंक अपने लिए बना लेते हैं गाइस। और यहाँ पे मैं क्या मतलब क्या ही यार, चेस्ट ओपन कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारे पास चार प्लैंक आ चुके हैं और यहाँ पे हमको प्लैंक की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाना है और जो हमने उल्टी स्टेयर लगे उसके ऊपर हमको एक प्लैंक लगाना है, उसके ऊपर हमको वापस से सीधी वाली स्टेयर लगानी, फिर उसके ऊपर हमको चढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर चढ़ने की जगह बची नहीं है, तो यहाँ पे हम एक डर्ट का उपयोग करते हैं और वो सामने की तरफ ऊपर की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पे हमको इस तरफ मुंह करके यहाँ पे एक स्टेयर लगा देनी है गाइस। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे स्टेयर लगा देनी पड़ेगी। तो ये स्टेयर जो थोड़ी सी उल्टी लग चुकी है, तो यहाँ पे स्टेयर नीचे की तरफ, यहाँ पे भाई को भी स्टेयर की ज़रूरत है, उनके पास थोड़ी सी स्टेयर की कमी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया, तो ये स्टेयर जो उसके ऊपर एक उल्टी स्टेयर लगानी है, फिर एक सीधी स्टेयर यहाँ पे लगा देंगे। सॉरी यहाँ पे नीचे गिर जाता बार बार। तो यहाँ पे एक सीधी स्टेयर लगाने के बाद अब ये जो स्टेयर है उसके बाद में जो यहाँ पे पास में स्टेयर लगेगी, ये जो स्टेयर है वो यहाँ पे इस तरफ मुंह करके लगेगी गाइस, ठीक है, कुछ इस तरफ। या आप सामने की तरफ आके लगाओगे तो ये स्टेयर अपने तरफ मुंह करके लगेगी। उसके बाद यहाँ पे उसके ऊपर एक हमको स्लैब लगा देना है तो कुछ अच्छा दिखेगा। और यहाँ से हमको सामने की तरफ चले जाना है और कुछ इसी तरह का सेम टू सेम डिज़ाइन हमको सामने की तरफ भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने पहले तो यहाँ पे एक स्टेयर लगा दी, उसके बाद यहाँ पे उसके ऊपर उल्टी स्टेयर लगा दी, उसके बाद उसके ऊपर एक प्लैंक लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे बाजू में हमको जाना पड़ेगा ताकि हम ऊपर की तरफ भी लगा पाए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ये जो डर्ट का ब्लॉक है यहाँ लगा दिया है, उसके बाद यहाँ पे हमको स्टेयर के ऊपर मतलब ये जो प्लैंक लगा है उसके ऊपर चल जाना है, फिर यहाँ पे हमको एक सीधी वाली स्टेयर लगानी पड़ेगी, उसके बाद हमको यहाँ पे एक उल्टी स्टेयर लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे उल्टी स्टेयर और उसके बाद एक सीधी स्टेयर लग जाएगी यहाँ पे। और सामने ऊपर तो हमने एक जो स्लेब था वो लगा ही दिया। तो यहाँ पे हमारे गेट का एक जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे बनकर कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरह से दिखाओ, ये डर्ट की वजह से आपको ख़राब दिख रहा होगा, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट ये डर्ट को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ये देख सको कुछ भी तरह से यहाँ पे मैं डर्ट लगाने में लग चुका हूँ। तो यहाँ पे आप पूरी के पूरी डर्ट को हटाते बाद में आपको पता चलेगा कि इसकी डिज़ाइन कुछ बहुत ही ओपी तरह से दिख रही है गाइस। तो यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है ये यहाँ पे मैं मतलब ये डिज़ाइन आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, कोई बात नहीं है। तो मतलब ये उसका ट्यूटोरियल वीडियो भी आपको चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं, हम बना के दे देंगे। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने क्या किया कि यहाँ पे सामने की तरफ जो पीछे की लाइन है वहाँ पे आपको सेम टू सेम ऐसा ही एक ये जो हमने ये जो डिज़ाइन बनाया वो सेम टू सेम हमको पीछे की तरफ भी बनाया था, और वो पीछे की तरफ भी मैंने यहाँ पे सेम टू सेम डिज़ाइन बना दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई भी एक छत की एक डिज़ाइन बनाने में लगे हुए गाइस। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि गाइस बीच में जो ये जगह बची हुई है गेट के बीच में तो थोड़ी सी ख़राब दिखती है गाइस। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, आपको एक सीधी एक यहाँ पे उल्टी स्टेयर लगा देनी है गाइस, और सामने की तरफ भी हमको एक उल्टी स्टेयर लगा देनी है, फिर उसको कनेक्ट करते हुए हमको यहाँ पे ट्रैप डोर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको एक ट्रैप डोर इस तरफ और ये ट्रैप डोर इस तरफ, और इसके ट्रैप डोर के बीच में हमको एक स्लैब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्लैब ले लेते हैं और स्लैब यहाँ पे हमने लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ऊपर की तरफ हमको यहाँ पे चढ़ना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर चल रहे थे, यहाँ पे हमने डर्ट हाथ में ले ली और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाते, और जो हमने स्लैब लगाया उसके ऊपर हमको यहाँ पे पूरा का पूरा अखा वुड लगाना है। जो पूरा वुड होता है वो वुड हमको यहाँ पे लगा देना। तो यहाँ पे हम तीन वुड लगा देंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कनेक्ट हो जाएगा, तो एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक हुड लगा दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे हमको एक जो फेंस जो होता है वो फेंस को यहाँ पे दोनों की तरफ लगा देना है। और यहाँ पे हमारे पास जो ट्रैप डोर है
वो ट्रैपडोर को हमको यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये जो एक ब्लॉक आपको दिख रहा है वहाँ पे लगा देना है। तो कुछ डिजाइन ओपी बन जाएगी गाइस, आपकी डिजाइन मतलब दूर से देखने में आपकी डिजाइन एकदम ओपी दिखने वाली गाइस। आपको मैं नीचे उतर के दिखाता हूँ, जैसे ऊपर से नहीं पता चलेगा, तो आप देख सकते हो गाइस ये मतलब ओपी डिजाइन बन चुकी है। अब इससे तो ओपी नहीं बना सकता, बट ये तो ओपी है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। वैसे ही हमको सामने बनाना है, तो मैं पहले बना लेता हूँ उसको। तो यहाँ पे वो डिज़ाइन मैंने सामने की तरफ, यहाँ पे वो डिज़ाइन तो मैंने ख़त्म कर दी यहाँ पे। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो भाई ने जो डिज़ाइन बनाई ना, उसके अंदर हमको क्या करना है कि स्लैब को भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरी छत हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से हम फटाफट से मैंने आपको स्लैब भरना शुरू कर दिया, और सामने की तरफ भाई भी यहाँ पे स्लैब भरने में लगे हुए गाइस। तो यहाँ पे हमको ये पूरी की पूरी जगह पे, जैसे ही सामने डिज़ाइन बना हुआ स्टोन से, वो स्टोन की डिज़ाइन को कनेक्ट करते हुए हमको यहाँ पे चारों तरफ हमको ये जो स्लैब हम यहाँ पे लगा रहे वो पूरी यहाँ पे लाइन को ख़त्म कर देना। उसकी वजह से ये जो लुक ऊपर का आएगा वो बहुत ही ओपी लुक आएगा गाइज। यहाँ पे ये जो मैंने एक लाइन को तो पूरा ख़त्म कर ही दिया है, और यहाँ पे भाई भी ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये लाइन को पूरा का पूरा सबको ख़त्म कर देते हैं फटाफट से। तो ये पूरी छत को कंप्लीट करने के बाद जो यहाँ पे जो हमारे पास जितने भी स्लेब थे वो सब स्लेब यहाँ पे ख़त्म हो गए। उसके बाद यहाँ पे मैं बर्च वुड की जो स्टेयर होती है वो लेकर आ चुका था, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या है कि ऊपर की तरफ जो डिज़ाइन बनेगी वो थोड़ी सी अलग कलर की बनेगी, और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा ओपी दिखेगी। तो हम दूर से देखेंगे तो ये डिज़ाइन भी बहुत ही ओपी लगने वाली है। तो ये स्टेयर का काम यहाँ पे, ये जो स्टेयर मैंने ऊपर की तरफ लगाई उसको सबको कनेक्ट करते हुए ये स्टेयर को हमको यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है, वहाँ पीछे की तरफ थोड़ा सा स्लेब का काम बचा हुआ वो अपने भाई ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ये तो थोड़ा सा स्टेयर का काम जो बाकी बचा हुआ है उसको पूरा का पूरा हमको यहाँ पे ख़त्म कर देना है गाइज। आपको वीडियो पसंद आए तो गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइज, और जो जो लोग हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी नाइट हो चुकी है, तो चलो जल्दी से नीचे चलते हैं, और यहाँ पर जल्दी घर पर आकर यहाँ पर बेड के पास आके सो जाते हैं। ओ या, तो बहुत ही अच्छी नींद करने के बाद, मतलब ये नींद करना भी ज़रूरी है गाइज, ये तो गेम के अंदर भी नींद हमको ज़रूरी होती है। तो गाइज हाँ, आराम से सोया करिए और अपनी सेहत का ध्यान रखें गाइज। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी जो यहाँ पे वुड थी उससे मैंने यहाँ के क्या किया, स्लेब बना दिया और भाई को दे दिया गाइज। और उसके बाद क्या किया कि मैं ऊपर की तरफ चला दिया, और यहाँ पे मेरे को भी थोड़ी की स्लेब की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे स्लेब थोड़ा सा बाकी था, तो उसको स्लेब को लगाने के बाद गाइज हमारा बार्न हाउस कुछ ओपी सा दिखने वाला है गाइज। यहाँ पे हमारा छत का काम जो भी है वो हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया गाइज। तो ये जो वो जो डिज़ाइन है आपको कैसा लगा मेरे को एक बार कमेंट में जाकर ज़रूर बताना। और गाइज देख सकते हैं यहाँ पे स्केलेटन को मारा था तो उसकी हड्डी मेरे पास आ गई है, और हमको ये एडवांसमेंट भी मिल चुकी है गाइज। तो ये हमारा बार्न हाउस एकदम ओपी दिख रहा है गाइज, बट अभी ये हमारा बार्न हाउस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमारा स्टोन का काम है गाइज। जो यहाँ पर हमने जो वैसे आप पूछेंगे कि भाई ये स्टोन कहाँ से आया, तो वैसे ही हम बता देते हैं, ये स्टोन हमने ऑफलाइन के अंदर स्मेल्ट कर दिया था। उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास एक जो कटर वाला है, जो यहाँ पे कटर वाला जो विलेजर हमारे पास था, तो हमारे पास कटर था, तो उससे हमने ये जो स्टोन ब्रिक है वो बना दिया। तो स्टोन ब्रिक दिखने में बहुत ही ज़्यादा ओपी लगता है गाइज। और ये आपको पता है कि स्टोन ब्रिक से ये जो स्टोन की होल बनती है, तो ये होल भी हमने बना लिए। तो ये होल यहाँ पर हम सब जो जो पिलर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे भाई जो पूरी पूरी लाइन बना रहे हैं, यहाँ पे जो पिलर दिख रहे हैं वहाँ पे पिलर के एग्जैक्ट सामने की तरफ यहाँ पे आपको ये जो पूरी की पूरी जो होल है वो होल को लगा देना है। वैसे ही हमको सामने की तरफ भी करना है, तो सामने की तरफ भी हम पेरा ख़त्म कर लेते फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे सब जगह पे होल लगाने के बाद यहाँ पे बीच में भी एक लाइन खींच देनी है, और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको होल लगा देने है, ताकि हम जो भी एनिमल यहाँ पे इसके अंदर रखेंगे वो कूद के बाहर की तरफ ना निकल जाए, तो ठीक है ना। और वो जो वैसे तो बाहर नहीं निकलेंगे, और भी यहाँ पे चीज़ें लगेंगी वो अभी आपको आगे के आगे दिखने में लग जाएगा, तो आपको पता ही चल जाएगा।
तो यहाँ पे वो हमारा पूरा का पूरा काम ख़त्म हो गया। अब क्या करना है कि हमारे पास टॉर्च ले लेनी और टॉर्च लगा देनी है, ठीक है। वैसे तो हमारे पास इतना ज़्यादा आयरन नहीं है, तो यहाँ पे हम लैंटर्न लगाते तो कुछ ज़्यादा ही ओपी दिखता, बट अभी हमारे पास इतना ज़्यादा आयरन नहीं है, तो यहाँ पे हम अभी शुरू शुरू में यहाँ पे हम टॉर्च लगा देते। वैसे टॉर्च भी इतनी बुरी नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे सब जगह पे जहाँ जहाँ पे मैंने ये जो क्या बोलते हैं इसको लगाया वहाँ पे हमको लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने वो सब जगह पे यहाँ पे जो टॉर्च को लगा दिया गाइज। यहाँ टॉर्च लगाने के बाद गाइज यहाँ पे मैंने जो बर्च के थोड़े से ट्रैपडोर बनाए थे वो ट्रैपडोर को यहाँ लगा देते ताकि हमको थोड़ा सा अलग ना दिखे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो बर्च के ट्रैपडोर यहाँ पे मैंने चारों तरफ लगा दिए गाइज। चारों तरफ क्या है यार, यहाँ पे 6 ब्लॉक है तो बाहर की तरफ निकल रहे, कुछ थोड़े से अच्छे नहीं दिख रहे, उसकी वजह से हमने यहाँ पे बर्च के ट्रैपडोर को लगा दिया। और गाइज भाई ने मेरे को बताया कि ये पे एक जो फेंस लगाना था उसके बाद टॉर्च लगानी थी, तो वो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सब ख़त्म हो जाने के बाद गाइज यहाँ पे भाई ने सब जगह पे ये जो एक्सटेंड कर दिया है, यहाँ पे हर कॉर्नर के अंदर हमको एक फेंस लगाने के बाद उसके ऊपर टॉर्च लगानी थी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फेंस के जो गेट है वो लेकर आ चुका था, तो यहाँ पे हमको चारों तरफ फेंस के गेट लगा देने हैं। और बीच में जो जहाँ पे मैं जगह छोड़ रहा हूँ वहाँ पे हमारे भाई जो है वो फेंस, जो हमारा फेंस होता है वुडन फेंस, वो यहाँ पे बीच में लगा देंगे। तो यहाँ पूरा ख़त्म कर देते हैं इसको। तो सब जगह पे यहाँ पे जो पूरा गेट बनाने के बाद यहाँ पे जो बीच में एक जगह छोड़ी थी वहाँ पे हमने बर्च के फेंस बनाए थे तो वो भी लगा दिया। तो मतलब दिखने में शोभा ओपी रहनी चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा कलर पे ध्यान दे रहे। वैसे तो और वुड नहीं है, नहीं तो और भी लगा देते। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पीछे की तरफ हमारा पूरा का पूरा बर्न हाउस बन के कम्प्लीट हो चुका है गाइज। और आज की वाली वीडियो के अंदर बस इतना ही था। आज की वाली वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट में जाकर जरूर बताना गाइज। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए गाइज, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम लोग से बात करने के लिए हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो गाइज। और हाँ, भाई के व्यू से अगर आपको ये वीडियो को देखना है गाइज तो भाई की चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी गाइज। तो आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट माइनक्राफ्ट की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।